हम आपके लिए बहुत ही ज्यादा टेस्टी, कलरफुल और हेल्दी नाश्ता बनाने जा रहे हैं। आज हम आपके लिए उत्पम बनाएंगे, जिसके लिए मैंने एक कप सूजी लिया है। आप मोटी पतली कोई भी सूजी यूज कर सकते हैं। आधा कप दही डालेंगे। दही खट्टी है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप नॉर्मल दही यूज करें। दोनों चीजों को मिला लेते हैं, यानी मिक्स कर लेते हैं। दही वाले कप में मैंने पानी ले लिया है, जिससे दही भी यूज हो जाए, और पानी को हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और एक बढ़िया सा बैटर तैयार करना है। बैटर हमें बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं चाहिए। टोटल मैंने यहाँ 3/4 कप पानी का यूज किया है। डिपेंड करता है कि दही आपने गाढ़ी ली है या पतली ली है। तो कुछ इस तरह का बैटर बनकर तैयार है, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं है, बहुत पतला नहीं है। तो अब इसे हमें ढक कर रखना है लगभग आधे घंटे के लिए। आप इसे इसी तरह बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं, और जब आपको नाश्ता बनाना हो तब इसे यूज कर सकते हैं। आधे घंटे में ये बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसमें हम डाल रहे हैं 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक 1 चम्मच, बेकिंग सोडा 1/4 चम्मच। मसाले और सोडा का यूज आप तभी करें जब आपको इसे बनाना हो, यानी यूज करना हो। तो सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने एक बाउल में कटा हुआ प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर, हरी मिर्च डाल देते हैं, जितना भी आपको तीखा खाना पसंद हो, और थोड़ी सी मैंने यहाँ धनिया डाली है, 1/4 चम्मच चाट मसाला और 1/2 चम्मच नमक डाल दिया है, और सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये सैलेड भी बिल्कुल तैयार है। अब हमें तवे पे डालना है थोड़ा सा ऑयल। यहाँ मैंने नॉनस्टिक तवा यूज किया है, आप नॉर्मल तवा भी यूज कर सकते हैं। 1/2 कप बैटर डाल रहे हैं, हल्का सा स्प्रेड करेंगे यानी फैलाएंगे, बहुत पतला इसे नहीं बनाना है। फ्लेम को मैंने यहाँ लो मीडियम रखा है, और लगभग एक साइड से 2 से 3 मिनट इसे पकाना है। तो ऊपर हम कलरफुल सब्जियां डाल देते हैं, वेजिटेबल डाल देते हैं, जिससे ये बहुत ही ज्यादा कलरफुल दिखेगा और हेल्दी भी बनेगा। तो इसे मैंने सेट कर दिया है, थोड़ा सा ऑयल डाल रहे हैं। आप चाहे तो इस समय ऑयल को अवॉइड भी कर सकते हैं, और इसके बाद 2 से 3 मिनट बाद आपको इसे पलट देना है। इस साइड से भी हमें 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से सेकना है। इस समय आप फ्लेम को लो कर दें। इसे आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बना सकते हैं, या शाम को चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है और साथ में ये हेल्दी भी है। तो एक बार आप इसे जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।